बॉर्डर के जिले बहराइच के एआरटीओ विभाग से एक बड़े रॉकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जो खुलासा साफ दर्शा रहा है कि बहराइच के एआरटीओ दफ्तर के अंदर फैले दलालों के सिंडिकेट का किस कदर बोलबाला है। मामला पुलिस अभिरक्षा में बंद एक ट्रक के छुड़ाने से जुड़ा हुआ है, जिस खुलासे में विभागीय अफसरों को लेकर पुलिस महकमे तक चौंका दिया है। पूरा मामला एआरटीओ द्वारा पकड़ी गई UP43T9008 नंबर की ट्रक की फर्जी रिलीज ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। इस मामले में एआरटीओ ने फर्जी रिलीज ऑर्डर जारी करवाकर ट्रक को छुड़वाने वाले जिशान नाम एक दलाल के खिलाफ दरगाह थाने के मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं एआरटीओ राजीव कुमार ने बताया कि गिरोह बड़ा स्तर का हो सकता है, जिसमें विभागीय लोगों को भी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता, जिनके संरक्षण में इस तरह का जालसाजी का रैकेट दलालों द्वारा अंजाम देने का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसके लिए जांच की जा रही है। जो भी दोषी मिलेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मामला थाना दरगाह क्षेत्र में बीते 15 अप्रैल के परिवहन अधिकारी द्वारा बिना फिटनेस के संचालन एवं ओवरलोड के चलते गोंडा जनपद निवासी उमेश कुमार के ट्रक UP43T9008 का चलान पर उसे थाना दरगाह की गल्ला मंडी चौकी से सुपुर्द कर दिया था। पीड़ित ने कार्यालय जाकर वाहन छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू की तो शहर में मोहल्ला बड़ी हट निवासी दलाल जिशान मिल गया और उसने कम पैसे में गाड़ी छुड़वाने का ठेका ले लिया था। आपको बता दें कि बहराइच में एआरटीओ के दफ्तर में एक बड़े रैकेट का हो रहा संचालन। विभागीय कर्मचारियों का मिली भगत से रिलीज ऑर्डर बनाने का पूरा रैकेट संचालित हो रहा है। दलाल ऑफिस में ही बैठकर फर्जी रिलीज ऑर्डर अधिक रुपया लेकर लाइसेंस बनाने समेत अन्य कार्य करवा रहे हैं। अब देखना है कि इस खुलासे के बाद शासन स्तर पर किस तरह का बड़ा एक्शन लिया जाता है। विराट 24 के लिए बहराइच से शहनवाज खान की रिपोर्ट। वो जो प्रकरण है कुछ इस तरह है, एक वाहन UP43T9008 जो है, एक मिनी ट्रक है, जो अभी 16/6/2022 को हमारे यात्री कर अधिकारी महेश कुमार वर्मा जी ने यहाँ जो है पुलिस लाइन में बंद कर दिया। वाहन का चालान वो बंद ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में उसकी सीजिंग ऑफेंस की एक पेंडेंसी शो कर रही थी कि ये गल्ला मंडी चौकी में वाहन पूर्व में बंद है और पेंडेंसी अभी भी दिख रही है, और जबकि वाहन दोबारा पकड़ ली गई। ये ऐसा महसूस हुआ कि ये गाड़ी वहाँ छूटी कैसे, जबकि हमारे उसमें तो छूटी ही नहीं है अभी तक, जो कागज़ पत्र हमारे यहाँ है उसमें छूटी नहीं थी। तो इसके वाहन स्वामी को एक नोटिस जारी करके मैंने तत्काल ही बुलवाया गोंडा से, और रमेश कुमार इसके वाहन स्वामी गोंडा जनपद के निवासी हैं, वो कार्यालय आए और उन्होंने पूरा प्रकरण जो है यहाँ जो अपना एक बयान देते हुए जो बताया कि वो जब गाड़ी इनकी गल्ला मंडी चौकी में बंद हुई थी अप्रैल माह में, तो ये गाड़ी छुड़ाने जो है बहराइच कार्यालय आए हुए थे, जहाँ लिपिक ने इन्हें जुर्माना बताया, सारी चीज़ें बताई और थोड़ी देर बाद जमा कराने की बात कही, तो इसी बीच ये नाश्ता वास्ता करने जो है बाहर चले गए। तो इन्हें से कार्यालय परिसर के बाहर कोई व्यक्ति मिला और कहा कि जो है जुर्माना जमा यहाँ करोगे तो ज़्यादा लगेगा, मैं न्यायालय से आपका कम में छोड़ूंगा। और ये व्यक्ति जो है गाँव के आदमी भोले वाले थे, तो इसकी बातों में आ गए और उन्होंने जो है उस व्यक्ति के संपर्क करके उसने एक जो है रिलीज ऑर्डर दे दिया इनको, जो हमारे कार्यालय से मिलता जुलता रिलीज ऑर्डर था। और ये व्यक्ति जो है लेकर गल्ला मंडी चौकी चले गए और चौकी से वो गाड़ी रिलीज हो गई, जैसा कि प्रायः जो है हमारा रिलीज ऑर्डर जिस तरह का होता उसी तरह का वो भी था। तो चौकी वाले ने उसको बहुत वो सोचा कि जो है भाई गाड़ी छूटती है, यानी जालसाजी यानी फ्रॉड करके किसी दलाल ने ये काम किया। अब ये जो उनका बयान है, उस बयान के आधार पर उन्होंने एक व्यक्ति का फ़ोटो उनके मोबाइल में था और दो मोबाइल नंबर और उसका नाम जिसान बताया, जिसके उनके बयान के आधार पर हमारे एआरटीओ प्रवर्तन ओपी सिंह जी ने जो है दरगाह थाने में एक एफआईआर जो है दर्ज करा दिया है, उसकी जांच पुलिस द्वारा चल रही है।